फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं दरावत फैमिली ब्लॉग्स। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज है संडे और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, मतलब दिन से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉगिंग, तो आपका वेलकम है। और बारिश हो रही है तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी इसमें दिखाई नहीं दे रही, दिख रहा है आपको? तो अभी इस टाइम बारिश शुरू होने लग गई है। टाइम बताती हूँ कितने बजे हैं। हाँ, ये देखिए घड़ी। हाँ, तो टाइम 1:30 बजने वाले हैं। तो बस सुबह से मौसम हो रखा था, कभी धूप कभी छाँव, बादल बने हुए थे और हवा चल रही थी ठंडी, पर बारिश नहीं हो रही थी। पर अब आइए 1:30 बजे करीब बारिश हुई है। खाना वगैरह मेरा सब कुछ बन गया है, नहीं मतलब राजमा बन गई है, अभी चावल बना मतलब चढ़ा के आई हूँ, चावल बनाऊँगी। तो अभी मतलब राजमा भी अभी बॉयल हो रही है और बच्चे गए हैं, मम्मी जी पापा जी, यहाँ कमरे में कोई नहीं है, छत पे इंजॉय करने के लिए, बारिश का मज़ा लेने को, वो भी वेट कर रहे थे। तो यहाँ देखो राजमा बॉयल हो रही है, चावल मैंने रख दिए हैं, मतलब मॉर्निंग का सारा काम हो गया था तो हो ही गया होगा क्योंकि दिन में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे बस मैं भी यहाँ ऊपर तो मैं नहीं जा रही, मैं खाना अभी चावल में कभी भी सीटी आ सकती है तो देखना पड़ेगा। और बारिश हो रही है काफ़ी अच्छी, देखते कितनी देर तक होती है। थोड़ी देर हुई तो फिर वही गर्मी हो जाएगी, उमस हो जाएगी, उमस वाली जो अभी 2-4 दिन से प्लेन की आवाज़ आ रही है, 2-4 दिन से जो प्लेन मतलब प्लेन में मुँह में आ गया, 2-4 दिन से जो उमस वाली गर्मी हो रही है ना, पसीने वाली गर्मी, तो पता नहीं अगर 1-2 दिन लगातार बारिश हो जाए ना तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। वरना अभी वैसे इतनी तेज़ नहीं है पर थोड़ा सा है, मतलब कहीं हुई होगी किसी साइड बारिश, तो थोड़ा 2-4 दिन से हवा ठंडी चल रही थी, वो भी सुबह ठंडा लग रहा था और शाम के टाइम पे छत में बैठा जा रहा था ना। दिन में तो बहुत तेज़ धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और संडे वाले दिन आज हुई है बारिश थोड़ी, खिड़की भी खोल देती हूँ। हाँ, तो यहाँ से आपको दिख रही है बूंदे, हाँ दिख रही है, हाँ मुझे भी दिख रही है। तो बस बारिश हुई है, देखते हैं कब तक होती है बारिश, ये भी कब तक साथ देती है बारिश। और बस खाना वाना खाने के बाद तो बने रहना आप चैनल में, क्योंकि अभी ब्लॉग थोड़ा और बनाऊंगी। जब ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है ना तो बन ही जाता है, और जब बिल्कुल फ़ोन ना उठाऊँ तो ब्लॉग भी नहीं बन पाता, सोचना पड़ता है क्या ब्लॉग बनाऊँ क्या ब्लॉग बनाऊँ। तो बस आज ये ब्लॉग बन गया। संडे वाले दिन बारिश हो गई, मतलब काफ़ी दिन से वेट हो रहा था दिल्ली वालों को बारिश का, वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत दुनिया भर की गर्मी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही थी अंदर। तो अगर बारिश अगर 2-3 दिन हुई ना तो अंदर भी ठंडा हो जाएगा, पर अगर ये थोड़ी सी बारिश हुई ना तो फिर उमस ही हो जाएगी अंदर, क्योंकि बाहर तो ठंडा है पर अंदर कमरों में उमस है, हो रही है धीरे धीरे तेज। तो धीरे धीरे तेज हो रही है, बारिश वंश करेंगे और उसके बाद ही मिलेंगे, बोलूँगी आपसे, उजाला आ रहा है। और ये किस हुई बारिश होगी नहीं हुई बारिश पर? हाँ पहले हो रही थी, पहले पर नहा लेना। तो अभी छत में आई हूँ मैं, मम्मी जी भी भीग गए हैं और ये केशव भी भीग गया है, कार्तिक उधर बैठा हुआ है, उसको डर है कि कैमरा फ़ोन ना ख़राब हो जाए। मैं भी चलती हूँ नीचे, फ़ोन ख़राब हो जाए। देखो चावल बन चुके, ये ना चावल मिल जाएंगे, चावल भी बन चुके हैं, थोड़ी देर गई थी 1 मिनट के लिए बच्चों को दिखाने, दोनों भीग गए हैं, अब फिर दोबारा से उन्हें नहाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का पानी से अगर गीली हो जाना उसके बाद नहाना पड़ता है। फिर क्या है, बड़े मतलब पैर ने सुना है मैंने, कहते थे कि जैसे बारिश का पानी होता है ना, अगर उससे उसको नहाओ ना तो फिर वो हो जाता है, मतलब जू में पड़ जाती है, वैसे सुना है मैंने, तो इसलिए नहाना चाहिए। बाकी बारिश बंद है, बंद हो गई, तैयार हो दिल्ली वाले, गर्मी फिर होएगी, अभी बारिश नहीं देना चाहते भगवान हमें, अभी गर्मी तो अभी हमें और सहनी लग रहा है। बहुत जगह मुंबई पहाड़ों में तो बादल भी फटने के मैंने व्लॉग देखे, कहीं मेरे फ्रेंडों ने शेयर करा, वहाँ तो बादल भी फट रहे हैं। उत्तराखंड में तो हर साल ऐसा ही होता है, और बस दिल्ली वालों को इंतज़ार रहता है हमेशा बारिश का, कि बारिश कब आएगी और खूब आएगी, क्योंकि थोड़ी सी आती तो यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो इस बार मुझे तो लग रहा है पिछले साल से भी ज़्यादा गर्मी हो रही है, कमरे में बिल्कुल रसोई में 1 मिनट भी खड़े हो जाओ ना तो पसीने से पूरा लथपथ हो जाते हैं, पसीना भी ऐसे बहता है जैसे पानी की तरह बह रहा हो। बाकी खाना बन चुका है, राजमा भी मैंने बंद कर दिया, राजमा भी बॉयल हो गई, बस धनिया डालूँगी
चावल ही बन चुके हैं आज तो। संडे वाले दिन मैं ज़्यादातर राजमा चावल बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को भी पसंद होता है और बच्चों की छुट्टी भी होती है, तो इस वजह से राजमा चावल बनाती हूँ। बाकी आज एकादशी है तो मम्मी पापा जी के लिए रोटी बनाऊँगी, और बाकी जो एकादशी व्रत रखते हैं वैसे कहते हैं कि चावल नहीं खाते, पर बच्चे क्या करें, मानते नहीं ना बच्चे, तो बच्चों के लिए बनाना पड़ता है मुझे। और बाकी मम्मी पापा जी के लिए रोटी बनाऊँगी, देखते हैं। बाकी फिर आपको बाद में मिलती हूँ सब काम निपटाने के बाद। बाकी और क्या दिखाऊँगा आपको, राजमा चावल दिखा देती हूँ, चावल क्या दिखाऊँ। बाकी अभी नीचे आएंगे दोनों के दोनों, नहाएंगे क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये देखिए हो गए राजमा भी, हो गए तो राजमा भी। और सुबह तोड़ के लाई थी एलोवेरा, क्योंकि कहते हैं कि एलोवेरा जैसे बढ़ते रहे ना तो उसे तोड़ते रहना चाहिए, वरना फिर पेड़ ख़राब हो जाता है। तो अभी तक हमारा पेड़ चढ़ा है, और देखो पुदीने का पेड़ भी बहुत जगह फैल गया हमारा, और बहुत सारे हो गए हैं बहुत। अभी बस सब कुछ रेडी हो गया, अब नीचे आएंगे, मम्मी पापा के लिए रोटी बनाती हूँ, आटा गूंथती हूँ, फिर मैं आपको शाम को ही मिलूँगी सीधा, काम है फिर। चलो फिर मैं आपको बाद में। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया रात का, तो कितनी देर बाद मैं ब्लॉग फोन उठा रही हूँ, तो काफ़ी लेट हो गया, तो खाना हो गया था, चौलाई आलू बनाई थी मैंने, और राजमा थी दिन में बहुत सारी क्योंकि सबने लाइट ही खाया था दिन में भी, और उसके बाद फिर राजमा थी और चौलाई आलू की सब्ज़ी बना दी थी मैंने थोड़ी सी, क्योंकि रात को सब एक एक दो दो रोटी खाते हैं, और कार्तिक सो गया है जल्दी तभी उसने खाना नहीं खाया, पर उसको उठाऊँगी। और बस ये भी वो कर रहे हैं अब तैयारी जाने की, और मैं सोच रही थी मार्केट जाऊंगी संडे मार्केट सब्जी लेने, यहाँ संडे मार्केट लगता है ना, तो सोच रही थी संडे मार्केट जाऊंगी सब्जी वगैरह, सब्जी है वैसे पर थोड़ी बहुत लानी थी बच्चों के लिए, पर नहीं जा पाई क्योंकि टाइम हो गया। टाइम आपको भी दिखाती हूँ कितने बज गए इसको, तो पापा मम्मी छत पे हैं, यहाँ लाइट बंद है ना, हाँ तो ये टाइम देख रहे हो 10 बजने वाले हैं, तो मैं हो गई हूँ लेट, पापा मम्मी छत पे गए हैं क्योंकि कमरों में गर्मी हो गई है, बारिश का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बस थोड़ी सी जो बारिश हुई उसके बाद थोड़ी सी और बढ़ी थी, और उसके बाद तो फिर लगा लो बंद ही हो गई, उमस और हो गई, मैंने कहा था थोड़ी सी बारिश होगी तो उमस हो जाएगी बहुत, तो बहुत ज़्यादा उमस हो गई है कमरों में, छत में तो ठीक है थोड़ा ठंडा लग रहा है, पर कमरों में तो उमस ही है बहुत ज़्यादा। बाकी केशव ने भी खाना खा लिया उसी के होमवर्क के चक्कर में, और थोड़ा मैं भी लेट हो गई, फिर एक ही होता है ना, पहले चले जाओ ना खाना बनाने से पहले तो सही रहता है, खाना बनाने के बाद जाओ ना फिर आलस आता है मेरे को भी, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद तो बस ये होता है कि हाँ बस काम निपटाने के बाद लेट बस बैठ जाओ। हमेशा तो मैं ये पहले ही चली जाती थी इनके साथ, आज वो भी नाइट ड्यूटी करके आए थे इस वजह से नहीं जा रहे थे, तो बस मम्मी पापा छत पे है, और ब्लॉग फिर इतना ही बनाऊंगी, ज़्यादा लंबी नहीं करूंगी आज, बस यही शेयर कर रहा मैंने सुबह बारिश का मौसम दिल्ली का मौसम, और वही शेयर किया कि आज संडे वाले दिन बारिश हुई, पर वही गिनी चुनी बारिश हुई थोड़ी बहुत, ज़्यादा ढंग से बारिश नहीं हुई, पर यहाँ इस साइड तो बारिश और जगह हुई होगी बारिश, पर हमारे यहाँ पर बहुत कम बारिश हुई जिससे उमस हो गई बहुत ज़्यादा। बाकी कल से फिर वही काम चालू, बच्चे का स्कूल, और अब तो कार्तिक के 12 तारीख से यूनियन मतलब ओरल टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करवानी है आजकल, वैसे भी स्कूल में भी हो रही है मुझे भी करवानी पड़ेगी, बाकी ये देखते हैं। तो फिर ब्लॉग का मैं ही एंड करती हूँ फ्रेंड्स, अब क्या काम तो मेरा सारा निपट गया, ये देखिए बर्तन सब धुल गए, सिंक भी साफ कर दी बस, और बस कार्तिक का वेट कर रही हूँ, कार्तिक को उठाऊँगी उससे खाना खिलाऊँगी, और केशव का भी काम करवा दिया मैंने, कार्तिक भी सो गया पता नहीं आज थक गया होगा, छत खुल करता रहता है, और जल्दी भी उठ गया था सुबह आज, ये संडे वाले दिन आज स्कूल नहीं जाना ना जल्दी उठ गया था ये कार्तिक, तो इस वजह से अब वो सो गया है, देखते हैं उसको, पर देखते नहीं, पर उसको उठा के मैं एक रोटी ज़रूर खिलाऊँगी, भूखा पेट नहीं छो ऐसे नहीं करते, अगर बच्चा सो जाए तो मैं ज़रूर उठा के उसे खाना ज़रूर खिलाती हूँ। और बस तो ब्लॉग का यही एंड करती हूँ, अगर वीडियो आज की पसंद आई उसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ फ्रेंड्स, तभी हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाओगे, तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय।